क्या आप अपने जीवन में लगातार असफल होते जा रहे हैं? क्या आप असफलता की इस कड़ी को तोड़ने में असमर्थ हैं? क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपने ऐसा सोचा है तो असफलता की उन बिंदुओं पर गहरा विचार नहीं किया है जिस वजह से आप लगातार असफल होते जा रहे हैं। इन असफलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है भगवान श्री कृष्ण जी की वे बातें जो आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की गारंटी देती हैं, जो इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती है। खुश रहने की एक ही कुंजी है इच्छाओं में कमी। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं आत्मविनाश या नर्क के तीन द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है उसे शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी विश्वास के बारे में कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे, मंथन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचाने। मित्र और शत्रु दोनों हैं मन में। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियों, होश और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं निर्भीक बनो, मत डरो। जो वास्तविक नहीं है न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी कष्ट नहीं किया जा सकता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं संशय न करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और है। आत्म ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो, जागो। संदेह, संशय, दुविधा या द्वंद में जीने वाले लोग न तो इस लोक में सुख पाते हैं और न ही परलोक में। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। न कोई मरता है और ना ही कोई मरता है। सभी निर्मित मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। या तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मती है और न मरती है, अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होने वाली है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे।
नहीं भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, है अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, कर्मवान बनो, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अपने अनिवार्य कार्य को करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से क्यों न करना पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति कामों सुख में आनंद नहीं लेता। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। जो मेरे साथ है मैं उनके साथ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से ही यह फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति, जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त करते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। ईश्वर के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। ईश्वर एक अदृश्य एवं अकथनीय शक्ति है जिससे संसार की उत्पत्ति पालन एवं लय होता है। मानवीय रूप में उसकी ऐसी कल्पना की जा सकती है कि उसके सभी ओर से ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया है। भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को, इन सूत्रों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सदैव सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अपनाएं और सफल बने। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।